हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड ईवीएस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने लेसन 3 आवर फ्रूट्स पढ़ा था, तो आज हम उसे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ाते वक्त बीच बीच में कई वर्ड मीनिंग्स हमने देखे थे, ठीक है, तो आप उसको राइट कर लीजिएगा। मैंने उसको हाईलाइट भी किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। सबसे पहले आपका है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप क्या करना है, आपको जो ऑप्शन दिया है उसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको उसको टिक करना है। फर्स्ट है आपका वी वियर दिस इन विंटर। आपको क्या करना है, इसमें यहाँ पे जो बताया है कि विंटर सीजन में हम क्या पहनते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन जो फील करने की जगह है वहां पे अगर हम क्वेश्चन रख दें व्हाट, तो इसमें हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे स्कर्ट, आप विंटर सीजन में स्कर्ट पहनते हो? नो। शर्ट? नो। जैकेट? यस। हम लोग विंटर सीजन में जैकेट यूज करते हैं अपने बॉडी को वार्म कर रखने के लिए, ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको टिक कर देंगे। सेकेंड है वी वियर दिस इन समर। आप इसमें से कौन से क्या यूज करते हो समर में, समर में आप इनमें से क्या यूज करोगे। सबसे पहला है आपका शॉर्ट, सेकेंड है आपका कैप एंड थर्ड है आपका स्वेटर। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, शॉर्ट्स, ओके। हम लोगों ने देखा था कि इन समर सीजन का हमने ड्रेस देखा था, तो उसमें दिया हुआ था कि आप क्या पहनते हो, शॉर्ट्स पहनते हो, है ना, जो हमें गर्मी के सीजन में हमारी बॉडी को कूल बनाए रखता है। तो यहाँ पे होगा आपका शॉर्ट्स। थर्ड नंबर है हु वियर्स यूनिफॉर्म। इनमें से आपको बताना है कि कौन यूनिफॉर्म पहनता है। यूनिफॉर्म एक स्पेशल क्लोथ है जो अपने वर्क प्लेस पर ही पहना जाता है, ठीक है, तो बताइए इसमें से कौन है जो अपने वर्क प्लेस पर एक स्पेशल ड्रेस पहनता है। फायरमैन? यस, वो अपने जॉब के स्थान पर जहाँ पे वो वर्क करता है वहाँ पे भी वो यूनिफॉर्म पहनता है। पोस्टमैन? ये भी यूनिफॉर्म पहनता है, ठीक है। फायरमैन और पोस्टमैन जब दोनों यूनिफॉर्म पहनते हैं तो हमें क्या टिक करना है, बोथ। बोथ मीन्स क्या होता है, दोनों। तो दोनों पे हम इसको टिक कर देंगे। फोर नंबर है आपका वी यूज टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। आपको इसमें से टिक करना है कि कौन आपको रेन से प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहला आपका अम्ब्रेला, सेकेंड है आपका कोट और थर्ड है आपका बूट्स, ठीक है। तो आपको कौन प्रोटेक्ट करता है रेन से, सबको पता है इसमें, अम्ब्रेला, ओके। अगर यहाँ पे रेनकोट होता तब हम इसको करेक्ट मानते, अगर यहाँ पे गमबूट्स होता तब इसको करेक्ट मानते, ठीक है, बट यहाँ पे ओनली कोट दिया हुआ, यहाँ पे ओनली बूट्स दिया हुआ है। बी है आपका पुट टिक फॉर करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग वंस। आपको क्या करना है, जो स्टेटमेंट आपका करेक्ट है वहां पे टिक करना है, जो आपका रॉन्ग है वहां पे क्रॉस करना है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका वी गेट वूल फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट से हमें वूल मिलता है, ऊन मिलता है। तो हमने पढ़ा था कि वी गेट वूल फ्रॉम एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैमल, ओके। तो ये क्या हो गया स्टेटमेंट आपका, रॉन्ग हो गया है, क्योंकि जो कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है और एनिमल से हमें वूल मिलता है। सेकेंड आपका है पीपल हु वियर स्पेशल क्लोथ एट देयर वर्क प्लेस। जो लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर एक स्पेशल क्लोथ पहनते हैं। यस, ये तो करेक्ट बात होगी कि हाँ, वर्क प्लेस पर एक स्पेशल कपड़ा पहन के जाया जाता है। तो ये आपका ये क्या हो गया, टिक हो गया, ठीक है। और उस स्पेशल क्लोथ को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म बोलते हैं। थर्ड है आपका वी वियर नीड क्लोथ टू कवर आवर बॉडी। हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं। यस, हम अपनी बॉडी को कवर करने के लिए कपड़े पहनते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, टिक हो गया। फोर है वी वियर रेन कोट एंड गम बूट्स इन रेनी सीजन। वी वियर रेन कोट, हम रेन कोट और गम बूट्स कब पहनते हैं, रेनी सीजन में, ठीक है। हम रेनी सीजन में बरसात के मौसम में रेन कोट और गम बूट्स पहनते हैं। यस, ये भी आपका टिक हो गया, क्योंकि जितने स्टेटमेंट थे ये करेक्ट थे। अब आपका सी है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको उसका आंसर राइट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी चुकी हूँ, और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप मेरी वॉइस को क्लियरली सुन के भी आप उसको राइट कर सकते हो। सबसे पहला है आपका नेम टू एनिमल्स फ्रॉम विच वी गेट वूल। आपको दो एनिमल के नाम लिखना है जिससे आपको वूल मिलता है, ऊन मिलता है।
तो लिखना है आपको, वी गेट वूल फ्रॉम सीप एंड गोट। आपको वूल किससे प्राप्त हो रहा है? सीप एंड गोट। ओके, सीप, गोट, कैमल, आप इनका नाम लिख सकते हो। उसके बाद है आपका, नेम एनी टू पीपल हु वियर यूनिफॉर्म। आपको दो पीपल, आपके दो लोग, आपको दो लोगों के नाम लिखने हैं जो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो यूनिफॉर्म तो कई लोग पहनते हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, पोस्टमैन हो गए, पुलिसमैन हो गए, एडवोकेट हो गए, नर्स हो गए, ठीक है, फायरमैन हो गए, बेकर हो गए, साथ में आप स्टूडेंट हो गए। तो ये सब, ये लोग क्या पहनते हैं? एक स्पेशल क्लोथ पहनते हैं जिसको हम यूनिफॉर्म बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं डॉक्टर, पोस्टमैन। आपको ओनली टू राइट्स करना है, बट मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया है, पुलिसमैन। आपको जो इसमें से लिखना है, आपको जो पसंद है आप उसको राइट कर लीजिएगा। ओके, थर्ड है आपका, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ शुड वी वियर ड्यूरिंग रेन। आप रेनी सीजन में, ठीक है, बरसात के मौसम में आप क्या पहनते हो, ठीक है, ड्यूरिंग रेन सीजन में। तो वी वियर रेन कोट एंड गम बूट्स ड्यूरिंग रेन। बरसात के दौरान हम रेनकोट और गम बूट्स पहनते हैं। फोर है आपका, वेयर डू वी गेट कॉटन फ्रॉम। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। ओके, डी है आपका, लुक एट दिस यूनिफॉर्म एंड टेल हु दे आर। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो यूनिफॉर्म पहने हुए जो लोग हैं, आपको उन्हें आइडेंटिफाई करना है, उनको पहचानना है और उनका नाम यहाँ पर लिखना है। आपको बताना है कि ये कौन है। जैसे इन्होंने व्हाइट कोट पहना हुआ है, ठीक है, तो हम इनको पहचान ले रहे हैं, ये हैं डॉक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या राइट करना है? डॉक्टर। ओके, ये हैं आपके सोल्जर, ठीक है, सैनिक हैं। या फिर हम आर्मी मैन भी लिख सकते हैं। ये कौन है? ये हमारी देखभाल करती है ना हॉस्पिटल में, इनको हम क्या बोलते हैं? नर्स। ओके, ये क्या करते हैं? आग को बुझाते हैं ना, कहीं अगर आग लग जाती है तो ये बुझाते हैं। इनके ड्रेस हम पहचान ले रहे हैं, ये कौन है? फायरमैन। ये क्या करते हैं? चोरों को पकड़ते हैं, कौन है ये? पुलिसमैन। इनके यूनिफॉर्म से हम पहचान लेंगे। ओके, ये कौन है? पोस्टमैन, जो चिट्ठियां ले आते हैं। ओके, तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। आपका है नेक्स्ट, आपका है लर्निंग क्वेश्चन और ब्रेनरी क्वेश्चन। आपको यहाँ पे क्या करना है, जो आपकी साइज है आपको यहाँ राइट करना है। आप कौन सी साइज की शर्ट पहनते हो आपको यहाँ पे राइट करना है। आपके शूज का नंबर आपको यहाँ राइट करना है। आपके जीन्स का नंबर आपको यहाँ पे राइट करना है। ओके, तो जितना आज हम लोगों ने पढ़ा है आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। जो क्वेश्चन आंसर है आप उसको, क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। जो पढ़ाते वक्त मैंने यहाँ पे हाईलाइट कुछ वर्ड्स किए थे, आपको क्या करना है? उनको राइट कर लेना है अपनी नोटबुक में, ठीक है, विथ मीनिंग।